समाज का कोई आदमी नहीं छोड़ा। बार बार अपराधीकरण अपराधीकरण और गुंडा समाजवादी पार्टी को बताने वाले लोग, यह मुकदमे लिखवाने का काम 28,000 कार्यकर्ताओं पर आपकी सरकार ने किया। आपकी सरकार ने गुंडा और अपराधी नेताओं को बनाने का काम कर दिया। इतने मुकदमे कार्यकर्ताओं के ऊपर लिखवा दिए और आप बता रहे हो कि गुंडागर्दी आपकी है, गुंडागर्दी आपने की। बाबा जी बोलते हैं ठोक दो, किसको ठोका आपने? आपने एक जाति धर्म के नाम के ऊपर लोगों को चिन्हित कर करके ठोकने का काम किया। आपकी जबान से जब भी निकलती है नफरत की बात निकलती है, कभी मोहब्बत के अल्फाज आपके अल्फाज निकलने का काम नहीं करते। प्रदेश के अंदर रहने वाले 18 करोड़ लोग इस प्रदेश के वासी हैं। इन प्रदेश के वासियों को आप जाति और धर्म के अंदर बांट करके उनके चश्मों से देखने का काम करने का काम करते हो। आपने अपराधीकरण के नाम पर केवल और केवल एक जाति विशेष के लोगों को जेल के अंदर या उनका एनकाउंटर करने का काम कर दिया, या फिर धर्म विशेष के लोगों के ऊपर आपने टिप्पणियां कर करके आक्रमण करने का काम कर दिया। मुख्यमंत्री जी को हमारी आंख के आंसू पसंद है, मुख्यमंत्री जी के दिल को तसल्ली होती है अगर हमारी आंख में आंसू आते हैं, और हम चाहते हैं कि प्रदेश का मुखिया ऐसा हो जो प्रदेश के रहने वाले किसी व्यक्ति की आंख के आंसू को देख करके उसके दिल के अंदर दर्द पैदा हो। इसी सपने को लेकर, इसी ख्वाब को लेकर के समाजवादी पार्टी में जाने का फैसला किया कि उत्तर प्रदेश के अंदर से ये गुंडा राज, उत्तर प्रदेश के अंदर से ये जो नफरतों के सौदागर हैं, इनका राज, जिन्होंने नफरतों के नाम के ऊपर एक खाई खोदने का काम कर दिया। आपने देख लीजिए, हम लोग यहाँ सदियों से रहते रहे, भाईचारा मोहब्बत प्यार हमारा सदियों से लगातार चलता रहा है, लेकिन इन लोगों ने ऐसी नफरत की खाई खोदने का काम कर दिया कि भाई को भाई से लड़ाने का काम कर दिया, भाई से भाई का दुश्मन बनाने का काम कर दिया। हम चाहते हैं कि नफरतों की खाई को पाट करके प्रदेश के अंदर भाईचारे का माहौल पैदा हो, और जब भाईचारा और अमन कायम होगा तभी ये मुमकिन होगा कि विकास के रास्ते खुलने का काम होंगे। विकास के रास्ते खुलेंगे, और विकास का रास्ता खुल करके जब जाएगा तो साथियों, विकास जब होता है तो विकास सबका होता है, विकास किसी एक जाति का है, किसी एक धर्म का नहीं होता है। साथियों, रोजगार के अवसर मुहैया कराए जाएं। रोजगार के लिए कोई रोड मैप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास नहीं है, न भारतीय जनता पार्टी के नेता किसी तरह का रोड मैप ऐसा देने का काम करते हैं कि आप रोजगार कहां से देने का काम करोगे। जुमले दे दिए 15 लाख रुपए खाते में आएंगे, 15 लाख आए नहीं, फिर कह दिया ये जुमला है, फिर कह दिया 2.5 करोड़ को रोजगार।